राजा दशरथ अपने श्राप की कहानी को आगे बढ़ाते हुए कौशल्या से कहते हैं कि चलते चलते श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगती है और श्रवण कावड़ को पेड़ के सहारे लटका के और पानी की तलाश में एक तालाब में पहुंचता है और जिस तालाब में वो पानी लेने के लिए पहुंचा वो मेरे राज्य में आता था और उस समय बहुत से राक्षस धोखे से पानी में जहर डाल देते थे और मैं उनकी तलाश में तालाब के पास छुपकर बैठा हुआ था। अंधेरा हो चुका था रानी, और जब श्रवण कुमार पानी लेने के लिए नीचे छुपता है तुम भी जल में डालता है और मैंने तुरंत तीर छोड़ा। तीर लगते ही आवाज निकली, हे राम, मेरा शरीर कांप जाता है रानी, धनुष मेरे हाथों से गिर जाता है और मैं दौड़ता हुआ तालाब के पास पहुंचा। मुझे लगा कि आज मेरे हाथों किसी राम भक्त की मौत हो गई है और मैंने जाके देखा तो मेरा सच सही निकला। मैंने श्रवण कुमार को उठाने की कोशिश की, चेहरे पे पानी के छींटे डाले और उससे पूछा कि तू कौन है, तो कैसे क्या जवाब देता है और उस समय का क्या हाल लिखा कवि ने, सुनिए भला।
राजा के दिल में दया देख के आई, मिला नतीजा जल्दी का मन कितनी गलती खाई। ना कुछ सोचा ना कुछ समझा, चुप के चोट लगाई, खड़ा पास में रुदन मचाऊं मैं पापी अन्यायी। भारी पश्चाताप होया और भारी पश्चाताप होया, कोई भगत राम का मर गया, छूट गई दशरथ बताते हैं कि जब मैं श्रवण कुमार के पास पहुंचा तो मैंने क्या किया, क्या बताते हैं। सिर के नीचे गोटा दे लिया, मुख में जल टपकाया, आग खुली कुछ मूर्छा त्यागी, होश कमर ने आया, हाथ जोड़ राजा दशरथ ने सब वरदान्त सुनाया, समझ निसाचर बाण मार दिया, भारी धोखा खाया। आंसू थमने का नाम नहीं लेते हैं, कहता है कि मेरे अंधे माता पिता का मैं इकलौता सहारा था, तो राजा दशरथ क्या कहते हैं। गाम नाम क्या सही आपका, कौन पिता मैं तारी, देऊं अवध का राज आज करूं माया अर्पण सारी, एक लाल के बदले में कई लाल मिलाई दुकारी, तेरे साथ मैं प्राण तजूंगा सूती तेग दुधारी, तू कहगा जगदीश जमाना, हाँ तू कहगा जगदीश जमाना, जो मैं दोरा दरिया
काल जे तीर कमर पे आण दिवाला गिर गया, छूट गई हाथा ते तुम्हें काल सीस पे फिर गया, लग्या काल जे